नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। इससे पहले कि मैं कार्यक्रम को शुरू करूं, मैं अपने तमाम दर्शकों से इस बात की माफी मांगना चाहता हूं कि आज हमने कार्यक्रम थोड़ा देर से शुरू हुआ। हम इस कार्यक्रम को थोड़ा देर से शुरू कर पाए इसलिए क्योंकि हम चाहते थे कि इस कार्यक्रम में जो भी पक्ष हैं उनका पक्ष, सभी पक्ष अपनी अपनी बात रख पाएं, क्योंकि डेमोक्रेसी में जरूरी है कि हर व्यक्ति अपनी बात मजबूती से रख पाए। डेमोक्रेसी में यह भी जरूरी है कि झूठ ना बोला जाए और जो लोग झूठ बोल रहे हैं उनको भी मौका दिया जाए कि वो अपनी बात को साबित कर सके और ये कह सके कि दरअसल वो जो कह रहे हैं वो सच है। तो हमें थोड़ा सा देर इसलिए लगी क्योंकि हम इस कार्यक्रम में आपसे इस बात के लिए भी माफी चाहते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आपको एक खाली कुर्सी का भी करना पड़ेगा। जी हाँ, हमारे साथ जो तमाम मेहमान तो जुड़ेंगे लेकिन साथ साथ आपको एक खाली कुर्सी भी जो है इस कार्यक्रम में आपको लगातार देखनी पड़ेगी। ये जो खाली कुर्सी है ये क्यों है मैं आपको बता देता हूं। दरअसल इस खाली कुर्सी पर हम चाहते थे कि आम आदमी पार्टी के कोई नेता आए, कोई प्रवक्ता आए और अपनी बात रखें, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दोपहर 3 बजे से हमें यह कहा था कि उनके प्रवक्ता, उनके नेता हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे शो में शामिल होंगे, अपनी बात रखेंगे, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हम आम आदमी पार्टी के बहुत सारे दावों के फैक्ट चेक करने वाले। दो टूक में मेरा आज का सवाल है, केजरीवाल मॉडल वर्ल्ड क्लास मॉडल या झूठ का मॉडल है? और इस चर्चा में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ शहजाद पूनावाला जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला जी। मेरे साथ अभिषेक दत्त जी जुड़े हुए हैं, अभिषेक जी दिल्ली जो हैं दिल्ली कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और इन्होंने भी दिल्ली में कई आरटीआई लगाई हैं, दिल्ली में जो कुछ असलियत है उसको उजागर करने के लिए। मेरे साथ स्टूडियो में एक और खास मेहमान है, लीलाधर रामचंदानी जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं दिल्ली नर्सिंग फेडरेशन के, और ये आपको बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल जी के नाक के नीचे दिल्ली के हॉस्पिटल जो जिन पर दिल्ली सरकार कंट्रोल करती है वहां पर किस तरह से खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है, रिश्वत के पैसे मांगे जा रहे हैं। लीलाधर रामचंदानी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो दरअसल सेक्रेटरी जनरल हैं दिल्ली नर्सिंग फेडरेशन के, और मेरे साथ शहजाद पूनावाला जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अभिषेक दत्त जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, राहुल शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन मैं लीलाधर जी से बात शुरू करूं, उससे पहले आपको लीलाधर जी ने एक जो वीडियो था, एक ऑडियो था, आपको सुना देता हूं कि किस तरह से पंत हॉस्पिटल में लोगों से, कर्मचारियों से ड्यूटी लगाने के लिए पैसा मांगा जा रहा है। और ये पैसा सिर्फ अधिकारी नहीं है, ऊपर तक है, ये भी आपको इसके भी प्रमाण लीलाधर जी बताएंगे। लेकिन ये सुनिए, आप सुनिएगा दीदी, यहाँ साइन करने भी नहीं आना दीदी। एक तो ये सुबह से एक तो मेरे को ये रोज ये हम, मैं तो इनहेलर रख के उधर उधर 24 घंटे घूमती रहती हूँ, फिर उधर आना, फिर इतना दूर हॉस्टल जाना, यही प्रॉब्लम है दीदी। हम दोनों लंग्स के प्रॉब्लम वाले हैं। तो फिर एक काम कर सकते हो आप, है ना, लिख के दो कि हमारे को ये सर्दियां आते आते है ना लंग्स की प्रॉब्लम है। पर देखो तुम्हें फिर एक काम करना पड़ेगा, बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी दीदी, दोनों को अपना शेयर डाल के देना पड़ेगा फिर पर मंथ के लिए। एग्री हो? कितना कितना दीदी? दोनों मिला के 10 बहुत है पर मंथ दीदी। हाँ ज्यादा है तो यहाँ पर बाकायदा कर्मचारियों से पैसा मांगा जा रहा है ड्यूटी लगाने के लिए, कहा जा रहा है कि 5,000 रुपए पर मंथ आप दे दीजिएगा तो आपकी ड्यूटी जैसे कहेंगे वैसी लगेगी। लेकिन उसके साथ साथ एक और वीडियो, एक और ऑडियो है, उस ऑडियो में यही महिला जो वो बता रही हैं कि कैसे डायरेक्टर जो हैं, डायरेक्टर को ऑबलाइज करना पड़ता है इसलिए उनको भी पैसे लेने पड़ते हैं। बुरा मत मानिए, डायरेक्टर एमएस जो है वो मेरे को काम देते हैं, मैं उनको ऑबलाइज करती हूँ। और ये भी बता दूं, लीलाधर जी ने बाकायदा और उनकी फेडरेशन ने ये तमाम जो क्लिप है, ऑडियो क्लिप है, ये जो तमाम सबूत है ये बाकायदा अरविंद केजरीवाल को भेजे,
भगवंत मान कहते हैं कि आप वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, हमें भेज दीजिए, पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म। लेकिन ये भ्रष्टाचार का जो ऑडियो है, वीडियो है, ये बाकायदा अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को भेजा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन हाँ, हमने आवाज उठाई, उसके बाद क्या किया गया, लीलाधर जी बताएंगे। लीलाधर जी, मुझे बताइए कि किस तरह का करप्शन जो है जीबी पंत में चल रहा है, क्या इस तरह से पैसे ट्रांसफर, पोस्टिंग, सब कुछ क्या करप्शन के जाल में ये उलझा हुआ है सब मामला? सर, खाली नर्सेज ही नहीं, जीबी पंत हॉस्पिटल के अंदर चार एसोसिएशन है, एक नर्सेज एसोसिएशन है, दूसरा अपनी पैरामेडिकल एसोसिएशन है और एम्प्लॉइज एसोसिएशन है, दूसरा एक SC ST एसोसिएशन है। चारों एसोसिएशन ने मिलकर के जीबी पंत की जो बदतर हालत है उसके लिए एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई, जिसका मैं कोऑर्डिनेटर भी हूँ। चारों एसोसिएशन ने मिलकर मजबूरी में ये फेडरेशन बना करके और सार्वजनिक स्तर पर इस चीज़ को उठाना पड़ा, क्योंकि पिछले कई महीनों से हम निदेशक से, स्वास्थ्य मंत्री से और मुख्यमंत्री जी से अपील करते आ रहे हैं, मेल करते आ रहे हैं, पर कोई सुनवाई नहीं है। हाल ही में हमारे संज्ञान में एक मुद्दा आया, दिसंबर से मैं इंडिकेशन दे रहा हूँ डायरेक्टर को कि नर्सिंग स्टूडेंट के भ्रष्टाचार के आरोप के अंदर, भ्रष्टाचार की सिचुएशन के लिए हम आपसे बात करना चाहते हैं, उसके बिहेवियर के बारे में बात करना चाहते हैं। दिसंबर में लिखा, जनवरी में लिखा, फरवरी में लिखा, लास्ट में फरवरी में एविडेंस दिए। 28 फरवरी से लेकर के 28 मार्च तक डायरेक्टर ने उन सबूतों को अपने पास में दबा के रखा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, ऑफिशियल तक नहीं लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा, वो इतना केजरीवाल जी के मुख्य कार्यालय को जब आपने सबूत भेजे तो वहां से आपको ये आया, पावती आई, आपको कहा गया कि हमको ये मिला है, हम इस पर कुछ करेंगे? नहीं, 28 मार्च को फिर हमने जो मुख्यमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, स्वास्थ्य सचिव को और उप मुख्यमंत्री जी को, सभी को ये पत्र लिखा और सारे रिकॉर्डिंग्स भेजे। उसके फलस्वरूप जब हमने प्रोटेस्ट किया दो दिन, उस प्रोटेस्ट के साथ साथ में 6 अप्रैल को उन्होंने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का पहला स्टैंड था भ्रष्टाचार की जो शिकायत कर रहे हैं उनको भी भ्रष्टाचारी के साथ में खड़ा कर दिया। यानी कि शिकायत करने वाले को ही जो है कमेटी ने जो है प्रताड़ित करने के लिए उसमें डाल दिया। ओके, और साथ ही साथ में आप बता दूं कि सवाल एक भ्रष्टाचार खाली ये जो ड्यूटी लगा करके वो नहीं है, कर्मचारी को, जो एक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, सरकार का पार्ट है, उसको अपने काम कराने के लिए सरकार में एडमिनिस्ट्रेशन में पैसा देना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए पैसा देना पड़ता है, अपने फाइनेंशियल क्लेम के लिए पैसा देना पड़ता है, रिटायरमेंट वालों को अपने लिए पैसा देना पड़ता है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज जो है अपना एरियर लेने के लिए परेशान है, 7th पे कमीशन का एरियर ड्यू पड़ा हुआ उसके लिए वो पैसा मांगते हैं। जब सरकारी कर्मचारी से सरकारी अधिकारी पैसा मांगेंगे तो जनता के साथ इंसाफ कहाँ होगा? ओके, तो खुलेआम पैसा मांगा जा रहा है, करप्शन का लेवल ये है शहजाद जी, पर दिल्ली में तो करप्शन खत्म हो गया, हम तो लगातार ये सुन रहे हैं, विज्ञापनों में भी यही कहा जा रहा है। लीलाधर जी कोई और कहानी बता रहे हैं शहजाद जी, लीलाधर जी आपसे एक सवाल, शहजाद जी लीलाधर जी एक सवाल आपसे पूछें जल्दी से। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि ये मुद्दा जो सोशल मीडिया में भी आ रहा है तो भाजपा ने ये मुद्दा उठाया नहीं बिल्कुल, स्वास्थ्य कर्मचारियों की चिंता भाजपा को भी नहीं है, कांग्रेस को भी नहीं है। नहीं, एक मिनट, मैं पूरी बात कर लूं, दूसरी एक मिनट बात कर लूं, मैं पूरी बात कर लूं पहले प्लीज। साथ ही साथ मैं बता दूं दिल्ली के अंदर 3 बड़े अस्पताल खुलने जा रहे हैं जो पेंडिंग बड़े, राजीव गांधी ताहिरपुर, इंदिरा गांधी द्वारका और बुराड़ी हॉस्पिटल्स। इन 3 अस्पताल को कोविड के दौरान चलाया गया, कोई बात नहीं, कोविड के अंदर तो स्टाफ इधर से उधर रोटेशन हुआ, सब ने किया, लेकिन रूटीन व्यवस्था में लाने के लिए भी आज की तारीख में दिल्ली के जो चलते हुए अस्पताल है वहां से स्टाफ ले जाके वहां भेजा जा रहा है, पूरी सबके परिवार वहां से डिस्टर्ब हो रहे हैं। हाल ही में द्वारका बार एसोसिएशन ने एक हाईकोर्ट में कंप्लेंट लगाई 30-3 को, उसके बाद में जो ठीक है थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा इसलिए मैं इसमें जो है, लेकिन जो सर इसमें भी तो भ्रष्टाचार है ना, यहाँ से ट्रांसफर होकर जो लग जा रहे हैं। ओके ठीक है शहजाद जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए मुझे लगता है कि दुख की बात यह है और पत्रकार साहब बता पाएंगे बैठे मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव की दिल्ली प्रदेश बीजेपी ने इतने मुद्दे उठाए और इसमें ये मुद्दा भी शामिल था, पर मैं अफसोस के बाद कहना चाहता हूँ कि एक लाइन हमारी किसी भी प्रेस वार्ता की या हमारे आंदोलन की
एक लाइन नहीं चपती। हम आरटीआई सहित रोज हम आरटीआई भेजते हैं कि ये घपला हो रहा है, ये घोटाला हो रहा है, चाहे वो क्लस्टर बसेस सर्विसेज में हो, चाहे वो ठेके देने में हो, चाहे वो अस्पताल में हो, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक में हो, जो अभी अभिषेक दत्त बता रहे थे, ये सारे मुद्दे। और अभिषेक से भी पूछ लीजिए, हम आरटीआई देते हैं, हम मीडिया के पास जाते हैं, हम जमीन पर जाते हैं, ना हमारी एक बात कवर की जाती है, ना हमारे एक वाक्य को लिखा जाता है। ठीक है सर, ठीक है अभिषेक जी। अभिषेक जी, मेरा समय बिल्कुल खत्म हो गया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो पैसा विज्ञापनों में लगता है, अगर वही दिल्ली में लगता तो दिल्ली में नए पुल होते, दिल्ली के स्कूलों की बेहतर स्थिति होती, दिल्ली में शिक्षकों को वेतन मिल रहा होता, दिल्ली में आंगनवाड़ियों को अपना पेट भरने के लिए पैसा मिल रहा होता, दिल्ली में जो है सेहत की स्थिति जो है, दिल्ली के हेल्थ मॉडल बेहतर होता। लेकिन ये सब नहीं हो रहा, क्योंकि विज्ञापनों से झूठ बताया जा रहा है आपको, और झूठ का ये मॉडल जो है, फिलहाल वो झूठ का मॉडल ही चल रहा है, और इसीलिए हमारी कुर्सी खाली रही, और इसीलिए आज अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई जवाब देने नहीं आया। शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का, दो टूक में शामिल होने के लिए। दो टूक में आज समय